अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का संदेश, घर पर रहकर करें योग, कोरोना से रहें निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में योगाभ्यास किया और प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए घर पर सेफ रहकर योग करने और निरोग रहने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आज दुनिया भर में भारत का योग लोकप्रिय हो चुका है। हर साल योग दिवस पर लाखों लोग शामिल होते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इस बार ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी मजबूत होना जरूरी है और योग के जरिए हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने नागरिकों से खुद योग करने एवं दूसरों को भी प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। आइए आपको भी सुनाते हैं सीएम ने क्या कहा। 21 जून विश्व योग दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफल प्रयास से सारा विश्व 21 जून को योग दिवस के रूप में मना रहा है और जो भारत की परिकल्पना है सर्वे सुखिना संतु की, उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस बार का योग विशेष परिस्थितियों में हम लोग कर रहे हैं। विगत वर्षों में जहां हम सार्वजनिक रूप से और लाखों लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर के एक साथ योग अभ्यास करते थे, इस वर्ष कोविड-19 की वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से अनुरोध किया है कि हम सब लोग अपने घरों में योग करें। कोविड-19 महामारी के लिए हमारी इम्यूनिटी मजबूत होना बहुत जरूरी है और योग के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी को यानी कि अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आज इस अवसर पर मैं आप सब उत्तराखंड वासियों से अनुरोध करता हूं कि हम सभी विश्व योग दिवस के अवसर पर 1 घंटा अवश्य योग अभ्यास करें, स्वयं भी निरोग रहें, स्वयं की भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं और औरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।